जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि बीसीसीआई ने भारत और बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैच और 3 टी20 मैच का आगाज कर दिया है। ऐसे में दोस्तों, सबसे पहले 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे और उसके बाद टी20 मैचों का आगाज होगा। और कब खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच और कितने बजे खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा, और साथ ही साथ बीसीसीआई ने भारत की तरफ से ऐसे ऐसे धुरंधर और खूंखार बल्लेबाजों को भारत की स्क्वाड में एंट्री करवाई है, जिसे देखकर बांग्लादेश की टीम थर थर कांपने लगी है। और साथ ही में प्लेइंग 11 की भी घोषणा कर दी है। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि ऐसे कौन से बल्लेबाज को शामिल किया है और कौन से बल्लेबाज को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो चलिए जानते हैं। लेकिन उनसे पहले अगर आपने वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, और ऐसे इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो के लिए क्रिकेट ज्ञानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि भारत और बांग्लादेश का पहला टेस्ट मैच कब और कहां खेला जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मैच 19 सितंबर से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 पर खेला जाएगा। ऐसे में बांग्लादेश के बल्लेबाज टीम इंडिया के स्पिनरों के सामने जूझते नजर आ सकते हैं। भारत और बांग्लादेश की टीमों के बीच स्पिन गेंदबाजी ही सबसे बड़ा फैक्टर रहेगी, जिससे सीरीज की तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। चेन्नई में होने वाले पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया 3 स्पिनरों के साथ उतर सकती है। आइए एक नजर डालते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ हैदराबाद में होने वाले पहले टेस्ट मैच में भारत किस प्लेइंग 11 के साथ बांग्लादेश के साथ भिड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ओपनर्स की। तो बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई में होने वाले पहले टेस्ट मैच में कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करते नजर आएंगे। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से टीम इंडिया को एक आक्रामक शुरुआत दे सकते हैं। नंबर 3 पर शुभमन गिल को उतारा जाएगा। नंबर 4 पर विराट कोहली उतरेंगे। नंबर 5 पर विकेटकीपर बल्लेबाज अर्षभ पंत को मौका मिल सकता है। अर्षभ पंत विकेटकीपर का रोल निभाएंगे। विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को ऐसे में प्लेइंग 11 से बाहर बैठना होगा। ध्रुव जुरेल का त्याग करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा मजबूर होंगे। बात करें मिडिल ऑन ऑर्डर की, तो नंबर 6 पर केएल राहुल को बल्लेबाजी की जिम्मेदारी दी जाएगी। केएल राहुल स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे। सरफराज खान को ऐसे में प्लेइंग 11 से बाहर बैठना होगा। अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर की, तो नंबर 7 पर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे, जो गेंद के साथ साथ बल्ले से भी टीम इंडिया को मजबूती देंगे। स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव और रविचंद्रन अश्विन को प्लेइंग 11 में मौका दिया जा सकता है। कुलदीप यादव और रविचंद्रन अश्विन घातक स्पिन गेंदबाजी में माहिर हैं। अक्षर पटेल को प्लेइंग 11 से बाहर बैठना पड़ सकता है। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज को बतौर तेज गेंदबाज टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। यदि स्क्वाड में चुने जाते हैं तो तेज गेंदबाज आकाश दीप, खलील अहमद और अर्शदीप सिंह को प्लेइंग 11 से बाहर बैठना होगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।